ये देखो, ये हमने पहले सिरे के अंदर से निकाले, इसकी हम पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग किस तरीके से करनी है, ये इसका पैकिंग करने का तरीका है। किस तरह इसको पैक करना है, इसके अंदर आप टिश्यू भी लगा सकते हैं, इस तरह आप मार्शल पैकिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा डब्बा है, ढक्कन लगा दे, ये पैकिंग होगी। इसके बाद हमने ढक्कन लगा दिए, इसके ऊपर स्टिकर भी लगा सकते हो अपने काम का। तो इसके ऊपर आप कमर्शियल स्टिकर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये हमारे सबसे पहले हमने 2 कप सूजी को रोस्ट करना है। ये हमने सूजी डाल दी 1 कप और ये 2 कप, ये 2 कप सूजी को रोस्ट करना है। हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज नहीं करना कि जल नहीं जाए। हल्का सा तेज कर लें, इसको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो जल जाएगी। ये सूजी हमारी रोस्ट हो गई है, ये तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको रोस्ट किया है। ये सूजी बिल्कुल लाल हो गई है, खुशबू आ रही है। तो सूजी को ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना कि जल ना जाए, हिलाते रहना है, और कम भी नहीं करना कि अगर कम कच्ची रह जाएगी तो फिर भी हमारे ये गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको बिल्कुल कच्ची भी ना रखें और बिल्कुल ज़्यादा लाल भी ना करें। अब खुशबू आ रही है, मैं उसको उतारने लगा हूँ, जो तैयार हो गई है। इसी के अंदर हमने 2 कप दूध, 2 कप हमने सूजी ली थी और 2 ही कप हमने दूध के डालने। हल्की फ्लेम पर दूध को गर्म करना है। देखो, दूध हमारा गर्म हो गया। दूध गर्म होने के बाद ये सूजी को थोड़ा थोड़ा डालना है और हिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हिलाना है। बड़ा सादा सा तरीका है। इसके बाद इसको बंद कर दें, इसको हमने इधर निकाल लेंगे। ये हमारी दसी की तैयार हो गई है, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद सूजी हमारी हमने उतार ली है। सूजी ठंडी होने तक हम इसको चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी हाथ के हाथ तैयार हो जाएगी। आसान तरीका है चाशनी तैयार करने का।
दो कप सूजी डाली थी तकरीबन हमने, दो कप थी ये चीनी डाल देनी है। और इसमें दो कप पानी, पानी दो कप डालना है। ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें अब तार बनने लग गया देखो, तो चाशनी हमारी तैयार है, इसको हम नीचे उतारते हैं, हल्की सी ठंडी हो जाएगी, उतनी देर में हम गुलाब जामुन का जो रोस्ट की है सूजी उसको तैयार करते हैं, इसको हम नीचे उतार लें। ये देखो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हमने नीचे उतार लिया। इसके बाद हम आते हैं ब्रेक। ये जो हमने सूजी रोस्ट की थी हमारी ठंडी होगी, इसको हम तैयार करते हैं। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच खुशक दूध डाल लेना है। ये खुशक दूध है, कोई सब ले लें, खुला ले लें, पैकेट वाला ले लें, खुशक दूध हो गया। इसके बाद इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें कि दूध इसके अंदर मिक्स हो जाए। सूजी का दाना जो होता है वो खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल मुलायम हो जाना चाहिए। ये हमारे जो सूजी रोस्ट की थी वो तकरीबन हमारा ये सिस्टम तैयार हो चुका है। अभी इसकी हम गोलियां बनाएं, गोलियां बनाने से पहले मेरा ख्याल है घी हम अंदर डाल लें, घी गर्म हो जाएगा उतनी देर में। घी हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, कि जिसमें हमारे जो गुलाब जामुन है ये कम अज़ कम अंदर डीप हो जाए। तो ये हमने घी डाल दिया, ये गर्म होने लग गया है, तो इसके बाद ये हमारा तैयार है, तो बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए कि सूजी का दाना खत्म हो जाए। हल्का सा हाथ को घी लगा लेना है, ऐसे लगा के ये थोड़ा सा इसको ऐसे इसकी एयर निकाल लेनी है कि इसके अंदर एयर ना रहे, इसको ऐसे निकाल के, तो ये हो गया। इसको ऐसे एयर निकलने का, क्योंकि एयर निकलना जरूरी है क्योंकि फटेंगे नहीं। उसके बाद इसको ये छोटे बनाना चाहिए, कम से कम छोटे होने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि अगर हमने आप बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए तो बहुत छोटे होते हैं,
अगर घर में खाने के लिए तैयार करना थोड़े बड़े, क्योंकि अगर छोटा होगा तो ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो फिर ये एयर ज़रूर निकालनी है इस तरह, देखो। उसके बाद इसको ये हमारे देखो गुलाब जामुन तैयार हैं। आग हल्के फ्लेम पर रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आंच पर इनको डालना है। ये देखो डालते जाए, घी के अंदर डिप हो जाए। और इसके ऊपर अगर, वैसे तो घी हमारा गुलाब जामुन के ऊपर है। ये देखो हमारा माशाल्लाह बेहतरीन कलर आ गया। अगर आप ज़्यादा ब्लैक कलर रखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल कलर हो तो तब भी आप उस हिसाब से अपना एक एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कलर बहुत बेहतरीन है। ये देखो, तो यहाँ निकाल लेते हैं। ये हमारी चाशनी पड़ी है, तकरीबन गर्म है, चाशनी गर्म होनी चाहिए। इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर हम दोबारा मूव कर देते हैं। और स्टेप आपको बेहतरीन तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आपने कोई स्टेप भी मिस कर दिया तो ये आप नहीं बना सकेंगे। और स्टेप को आपने गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने दूसरी तरफ आपको डाल दिया है, वो हमारे चमचम तैयार हो गए हैं। उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। ये देखो, ये हमने पहले सिरे के अंदर से निकाले, इसकी हम पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग किस तरीके से करनी है, ये इसका पैकिंग करने का तरीका है। किस तरह इसको पैक करना है, इसके अंदर आप टिश्यू भी लगा सकते हैं, इस तरह आप कमर्शियल पैकिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा डब्बा है। लगा दे, ये पैकिंग होगी। इसके बाद हमने ढक्कन लगा दिया। इसके ऊपर स्टिकर भी लगा सकते हो अपने काम का। तो इसके ऊपर आप कमर्शियल स्टिकर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप अपना ऐड देना चाहें। तो ये जी हमारी